ये जो भी करे उनको सख्त से सख्त उनको फांसी सजा देना बोल के ये हमारा डिमांड है अल्लाहपुर से। फांसी दो, 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 अल्लाहपुर डिवीजन से रैली निकली गई। इसमें हमारे पूरे भाई हर मजहब वाले आए साथ देने के आज से आसिफा के साथ ठहरे हुए हैं और तमाम मुजरिमों को फांसी की डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं पूरे अल्लाहपुर डिवीजन वासियों और हिंदुस्तान के हर पब्लिक उनके हाथ से फांसी मांग करती है। इसलिए दरिंदगी इससे बड़ी दरिंदगी पहले से बोला कोई चीज नहीं। बहुत बहुत शर्मनाक हरकत है ये हिंदुस्तान के लिए। अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा बदनामा दाग है। चाहे वो कोई भी बच्ची रहें दो या हिंदू की रहें दो या मुसलमान की रहें दो या सिख या ईसाई हर एक की रहें दो। हम हिंदुस्तान की पूरी आवाम से एक ही चाहते भाई हिंदुस्तान की अदालत से उनको मौत फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रिसेंटली अ केस विच हैज बीन हैपेंड इन कश्मीर इन द जनवरी सो द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव एक्शन ऑन दैट केस। वी ऑल आर डिमांडिंग दैट टू डू ए जस्टिस टू आसिफा एंड आसिफाज फैमिली। वी ऑल आर इंडियंस। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट and we are dummy. We are not Muslims, we are not Hindus. When it is an incident, we all are secular. We are demanding a Supreme Court of India, all the judicial systems of India, that to make immediate judgment to hang a rapist who then hang a rapist who the then bad with Asifa. We all are the residents of Allahapur, Allahapur division in Kupatpally constituency. We all from our area representative Raheem Saab and Sayyid Nasir sir and all the area local people and the students. We are demanding to the state and as well as the central government and the judicial system and the Supreme Court and the High Court to immediately hang the Asifa's rapist as soon as possible. Yes. A1. Yes. A1. Yes. A1. Yes. A1. Yes. A1. Yes.